फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आपको ये पता नहीं चल पाता है कौन सा स्टॉक आज परफॉर्म करने वाला है, कौन सा सेक्टर आज परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि अगर राइट टाइम पे अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए कौन सा सेक्टर आज परफॉर्म करेगा, तो आसानी से उस सेक्टर्स में आप एंट्री कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना पाते हैं। क्योंकि जो सेक्टर आज परफॉर्म करने वाला है उस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स जो पहले चल चुके होते हैं, कुछ नहीं चले होते हैं, तो राइट टाइम पर अगर इसका आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा पैसा बना पाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आज के इस वीडियो बात करें ऐसे टूल्स के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो सिंगल स्क्रीन पर आपको सारे जो भी इंडाइसेस हैं उनके डिटेल्स आपको दिख जाएंगी और कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा परफॉर्म नहीं करने वाला, कौन सा रेड जोन में है, कौन सा ग्रीन जोन में, सारे इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी और फिर आप आसानी से अपने ट्रेड को डिसाइड कर पाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वॉचिंग फियरलेस, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे ट्रेड करते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि डेली वो एंट्री करें, 9:50 पर एंट्री कर जाएं और उसका कुछ प्रॉफिट्स बनाकर मार्केट से निकल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा सेक्टर आज परफॉर्म करने वाला है और उसकी वजह से हम गलत सेक्टर में एंट्री कर जाते हैं। सपोज दैट आज मेटल अच्छा परफॉर्म करने वाला है लेकिन हम एफएमसीजी सेक्टर में हमने ट्रेड ले लिया, तो उसमें क्या होता है कि हमें हमारे चांसेस है सक्सेस के वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में या 9:50 पर ही हमें पता चल रहा है कि मार्केट आज ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो फिर हम उस सेक्टर में जो स्टॉक्स चल चुके हैं और जो नहीं चले उसको फाइंड आउट कर पे हम ट्रेड का अच्छा सा एक ट्रेड का पोजीशन बना पाएंगे और उसमें क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांसेस बहुत हाई है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेरा स्टॉक भी यहाँ चल जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो इसके लिए बहुत सारे पेड टूल्स अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ फ्री टूल्स जिसका यूज अगर आप करते हैं तो आपको सारे डिटेल्स आपको मॉर्निंग में ही पता चल पाएगा। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा धन के एक प्लेटफॉर्म के बारे में जो इंडिया का एक टॉप मोस्ट ब्रोकर जानते हैं यहाँ पे, तो इसने बहुत ही अच्छा फीचर एक दिया हुआ है जिसमें आपको डैशबोर्ड पे ही सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगी कौन सा सेक्टर आज रेड है, कौन सा सेक्टर आज ग्रीन है और फिर उसमें आप क्लिक करके अजाइल सारे सेक्टर को देख सकते हैं कि हमको ट्रेड प्लान कैसे इसको यूज करना है, चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आगे डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये धन का अकाउंट ओपन है। अगर आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाके क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस फीचर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर आएंगे तो आपको सामने मार्केट वॉच नाम का भी एक टैब आएगा, यहाँ पर देखेंगे आप जो ग्रीन सेक्टर सेक्शन दिख रहे हैं ये सारे मतलब ये सेक्टर क्या आपके परफॉर्मिंग है, आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो रेड सेक्शन आपको दिख रहा है वो रेड सेक्शन के आज ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है तो जिसमें जो अच्छा में लग रहा है, हमें निफ्टी 50 में काम करना है या निफ्टी बैंक में काम करना है, फिर निफ्टी में काम करना है, निफ्टी स्मॉल कैप में काम करना है, निफ्टी जिसमें भी आपको काम करना है। सपोज हमें निफ्टी 50 में काम, ज्यादातर लोग निफ्टी 50 में काम करते हैं या बैंक निफ्टी में काम करते हैं, सपोज हमें बैंक निफ्टी में काम करना है या निफ्टी 50 में काम करना है, सिंपली इसको क्लिक करना है जिसमें आपको क्लिक करना है, मतलब जिसमें आपको लग रहा है कि आज ये सेक्टर चल सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उस हमें क्लिक करें। जैसे उस पर क्लिक करें तो हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा इंडाइसेस इन डेप्थ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनीज का सेक्टर आपका आ जाएगा। जैसे कंपनीज पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे सारी कंपनीज की लिस्ट जाएगी कि कौन सी कंपनी में कितना परसेंटेज आज चेंज आ चुका है, कितना प्रॉफिट, कितना ये प्लस में चल रही है, कितना माइनस चल रही है। अब आपको पता चला है कि ये सेक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैंने इंडेक्स को बताया। सपोज मैं आपको कोई और सेक्टर लेता हूँ जिससे आपको काफ़ी आइडिया लग पाएगा कि यार सपोज मार्केट जो है आपका निफ्टी 500 निफ्टी प्राइवेट बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी प्राइवेट बैंक ओपन करते हैं। क्लियर, आप निफ्टी प्राइवेट बैंक ओपन करेंगे तो सिंपली इंडाइसेस इन डेप्थ क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंपनीज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारी कंपनीज अवेलेबल, सारे बैंक जो अवेलेबल है यहाँ पे, आप जैसे बैंक कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा, HDFC, RBL, फेडरल, इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग दिया हुआ है। अब हमें लग रहा है मॉर्निंग में हमें पता चला कि भाई ये सेक्शन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमें लग रहा है कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक चल चुका है 1.4%, 1.51%, ये 0.85, सबसे कम अगर कौन चला हुआ सब हमें यहाँ पे चाहे यहाँ पे क्लिक करके इसको आप फिल्टर भी कर पाएंगे डायरेक्टली कि हाँ सबसे कम कौन चला हुआ है, हमारा सबसे कम एक्सिस बैंक चला हुआ है, जिसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हाँ ये हो सकता है इसमें कोई ट्रेड बन जाए। तो उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करने के साथ चार्ट ओपन हो जाएगा यहीं पर डायरेक्टली। जैसे हमने चार्ट पे क्लिक किया उसका आपका एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन हो गया, आप चार्ट पे देख सकते हैं हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें ट्रेड करने की या नहीं मिल रही है। अगर हमें टाइम फ्रेम चेंज करके जो भी अपॉर्चुनिटीज अगर हम फाइंड आउट करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही तो हम यहीं से ट्रेड ले पाएंगे। क्लियर, तो ये बेनिफिट्स होता है सिंगल स्क्रीन पर सारे डिटेल्स मिल जाने का, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यही टूल अवेलेबल नहीं होता है कि कौन से मतलब डिटेल्स आपको अवेलेबल नहीं होती कौन सा निफ्टी 50 में स्टॉक्स है या निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कौन सा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आई टी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सिंपली आप IT वाले सेक्शन पर क्लिक करें, निफ्टी IT में चले जाइए। आप निफ्टी IT पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कौन सा सेक्टर आपका इंडस्ट्रीज इंडेक्स अगेन
एंड देन मार्केट कंपनीज पे चले जाएंगे। यहाँ आप देखें कौन सा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कौन सा बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्लियर परसेंटेज कितना गिर चुका है, कौन सा नहीं गिरा है। तो जब निफ्टी आईटी आपका गिर रहा है तो हो सकता है बाकी कंपनीज भी गिरे, बाकी आईटी कंपनीज भी गिरे, तो उसको फिर चार्ट आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, फिर उसको अगर आपको चार्ट पे कोई सेटअप दिख रहा है तो सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। तो जिस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी और आप आसानी से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना और कैसे ट्रेड लेना है। तो सारी आपकी सारी इस परेशानी का आपका सोल्यूशन जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और काफी लर्निंगफुल लगा हो। तभी तक आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ, वहां पे क्लिक करके आप अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं और इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग प्लान करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, एंड टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।